राघव चड्डा हमारे साथ प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आरपी सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमलेंदु झा पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह साहब आपके साथ शुरुआत करती हूँ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली में लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए, जवाब दीजिए। देखिए, सरकार 7 साल से उनकी है दिल्ली में, पटाखे ना जले, प्रदूषण ना हो, उसकी चिंता करना सरकार का काम। ये नीजर रिएक्शन हर साल होता है कि पटाखे मत चलाओ। सर, साल भर पहले क्या तो तय कर दो कि पटाखे नहीं जलेंगे। ये अभी आप अक्टूबर के महीने में आप नोटिस निकालते हैं, वो पटाखे खरीद देते हैं और ये तय करते हैं दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में सारा साल नहीं पटाखे जले। वो सिर्फ दिवाली पे नहीं, किसी भी त्योहार पे, किसी भी शादी पे दिल्ली में पटाखा आएगा ही नहीं। आप काहे को छूट देते हो? सर, दिवाली के लिए आप बंद करते हो, बाकी जगह छूट देते हो, बाकी सारा साल अलाउ करते हो। और दूसरी बात, आप चाहे करते हो दिल्ली के अंदर सिर्फ ग्रीन क्रैकर अलाउ करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैं 10 चीजें बता दूंगा जिससे आक्षेप लगेंगे, पर तो नहीं, उसका सोल्यूशन निकालें। दिल्ली में सरकार की जिम्मेदारी आप बता रहे हैं सिंह साहब, वो ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जो सवाल है वो ये है कि क्या बीजेपी ने धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि अब बच्चों में सब में बहुत अवेयरनेस है, जागरूकता है कि पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। दिवाली के अगले 2 दिन सांस लेना दिल्ली में मुश्किल होता है, बच्चों को दिक्कत होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने, सर एक सेकेंड, क्या भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया पटाखे फोड़ने के लिए, इस पर आपका जवाब। अंजना जी मैं चाहूंगा तो एक प्रेस विज्ञप्ति पार्टी की दिखा दीजिए, इसमें कहा हो कि भैया आप पटाखे जलाइए, आप जलिए और पटाखे जलिए, कहीं कोई ऐसी बात दिखा दीजिए। नहीं, हमने तो उल्टा कह रहे हैं कि जो करने वाले, मनोज तिवारी जी की बाइट सुनाई जिसमें वो कह रहे थे कि गलत है, अरे पटाखों पर रोक लगाना गलत है। सर देखिए, प्रेस विज्ञप्ति खाली नहीं होती है, आजकल सोशल मीडिया हथियार है। एक सेकेंड सर, सोशल मीडिया हथियार है। सर आप ही से सवाल कर रही हूँ ना, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी ने भी, उनकी बाइट हमने सुनाई, उन्होंने कहा कि सरकार रोक रही है, ये गलत है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए ये बातें फैलाई गई थी, कौन इनकार कर सकता है। धन्यवाद जी। सोशल मीडिया बड़ा सिलेक्टिव हथियार है कि आप किस प्रकार से क्या चीज पेश करें। मैं तो कहा ना कि आप दिल्ली सरकार तय कर दे कि हम दिल्ली में एक भी पटाखा जो कि ग्रीन क्रैकर नहीं होगा उसको नहीं लाओ, तय कर दे। और अभी तय कर दे, अगले साल के लिए, पूरे साल भर के लिए, दिवाली के लिए नहीं, पूरे साल भर के लिए तय कर दे कि हम ग्रीन क्रैकर और दूसरा अलाउ नहीं करेंगे। बच्चे अगर क्रैकर चलाना चाहे चले, ग्रीन क्रैकर थोड़ा महंगा पे करे, 50% 30%, मुझे पता नहीं जो भी कॉस्ट उसकी होती होगी, थोड़ा महंगा होता है, पे करके चले, फिर नहीं होगा मामला, परंतु तय तो करे। आप सिर्फ दिवाली पे ही क्यों करना चाहते हैं प्रतिबंध? हम कह रहे हैं कि आप पूरे साल के लिए कर दीजिए, हम तो स्वागत करेंगे, पर दीपावली के लिए क्या जुड़े क्या हमारे साथ? राघव चड्डा जी जुड़े क्या, वो जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। और दूसरी बात है, सिर्फ क्रैकर का इशू नहीं है ना, सिर्फ बाकी इश्यूज भी है जिनकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। और उसमें जो उदाहरण के लिए दिल्ली में आज से 5 साल पहले 11,000 बसें चाहिए थी, अभी तक कितनी बसें, गिनती के लिए ये 4,000 से ऊपर बसें नहीं ट्राप थी दिल्ली की। अभी कहा गया था सितंबर में हम 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस देंगे, कितनी इलेक्ट्रिक बसेस सितंबर से, मैं आपको स्टेटमेंट भेज देता हूँ, पढ़ लीजिए क्या क्या था। तो जो करने वाला काम, जो अगला काम इसके अलावा, वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे होगी। क्या सरकार इस तरफ कुछ चेष्टा करे, कुछ कदम बढ़ाए, और हम भी उसमें सहयोग करेंगे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे हो। क्योंकि ये कोई लड़ाई राघव चड्डा या मेरी या आम आदमी पार्टी या भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमको पोजिशन से लड़नी है। फिर मैं आपको बताऊंगा हमने क्या क्या किया, वो भी मैं बताऊंगा आपको, परंतु अभी तो है कि जो करने वाले काम हो करें, उसमें जो जो योगदान हमसे चाहिए हम योगदान देंगे उसमें भी, परंतु दिल्ली को पोजिशन से बचाने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की, 7 साल से सरकार इनकी, ये जो आदेश करेंगे उसको लागू किया जाएगा देश को। और DM SDM इनके पास है, जो पुलिस अधिकारी इनका इनका कहा नहीं माने उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, राघव जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे हम सवाल का जवाब लेंगे। आपके पास आलोक जी आते हुए, अब तो इस पर भी सियासत हो रही है, और ये सच है कि लोगों में सोशल मीडिया पर कहीं पर अगर किसी सेलिब्रिटी ने गलती से पटाखों के खिलाफ बोल दिया, गलती से या जानबूझकर जिस भी तरीके से कई लोगों ने था, उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि अब धर्म हावी हो गया है प्रदूषण जैसे आम आदमी की सेहत से जुड़े मुद्दे पर भी। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है इस पर? देखिए अंजना जी, धर्म हावी हो गया, जो कपटी राष्ट्रवाद है वो हावी हो गया, नकली हिंदुत्व हावी हो गया, और केवल सरकार पर नहीं कोर्ट पर भी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बैन,
गवर्नमेंट को और डीएम को ये ठहराया गया कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके बावजूद दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, रेड जोन में 70% दिल्ली चली जाती है और उसके बावजूद आदेशों का पालन नहीं होता। ओके, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि केवल दिवाली पर क्यों, दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि बाकी काम क्यों नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि फायर क्रैकर्स नहीं जलने चाहिए थे। एक सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, वो अपने पूरे मंत्रालय को लेकर बैठकर वहां पर काम कर रही है, चौराहे पर वॉलंटियर खड़े कर दिए बेचारे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, वो बेचारे पॉल्यूशन में खड़े हैं, वो उनको अपने कार्यकर्ता को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। कल शाम को इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है, गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑफ, पता नहीं कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर दोनों ने एक पूरा स्टडी दिया था कि दिल्ली में कैसे क्या किया जाए, आ जाइए, वो उसके ऊपर डालेगा, वो उसके ऊपर डालेगा। शुक्र है पाकिस्तान नहीं आया, औरंगजेब तो आ गए, इसमें एंट्री हो गई औरंगजेब की तो, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन किस तरह से हो। 15 साल से बीजेपी की कॉरपोरेशन नहीं है क्या? 15 साल से कॉरपोरेशन ने क्या क्या किया है? अभी जो स्टडी आई थी उसमें फायर क्रैकर्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन से होने वाला नहीं है? ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन नहीं होता है? उसके ऊपर कॉरपोरेशन ने क्या किया है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, आज AQI 1,000 से ज्यादा चला गया है, 2016 के बाद से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिवाली रही है। अब हम पूछना चाहते हैं फायर क्रैकर्स आए कहां से? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन ना पुलिस वाला कोई बयान देगा ठीक है कहां से आए, किसने मुलाए, किसने जी। बेचे, किसी को कोई नहीं पता है। हाँ वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा।